चलें जी, हमारे पास एक सवाल है और बड़ा जबरदस्त सवाल है। MSF1 का विंटर 2021 का सवाल है। बच्चा आवाज क्लियर आ रही है? हैदर साहब, बाकी सारे भी रिप्लाई कर दें यार, सबको आवाज क्लियर आ रही है ताकि स्टार्ट करें। टाइम कम है बच्चों, चलें। बिल्कुल क्लियर है, चलें, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 3। यू आर अथवा शाह एन ऑडिट मैनेजर फॉर एन आई कैप रजिस्टर्ड ऑडिट फर्म बेस्ड इन लाहौर। यू आर करंटली इन्वॉल्व इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ द ऑडिट ऑफ पाक टेक ग्रुप। द ऑडिट पार्टनर हैज आस्क्ड यू टू यूज द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग अपेंडिक्सेस। अपेंडिक्स 1 प्रोवाइड्स यू विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द क्लाइंट एंड कंटेन्स द ब्रीफ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पाक टेक ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2021। Appendix 2 provides the details of key transaction that the ParkTech group has entered into during the year. Requirement: identify and explain the key audit risk for the audit of ParkTech group. Explain the financial reporting issues showing all calculation. Ek acha sawal hai pyare bachcho, 20 number ka sawal hai, CPF6 wale ke liye bhi relevant hai, MSF1 wale ke liye bhi relevant hai. Sahi hai, dono ke liye relevant hai. Haider, aap ek bar rejoin kar le mera bachcha. Chale ji, zabardast. To hamare paas do appendix diye hain. Requirement kitni hai bhai? पहली रिक्वायरमेंट क्या हमारे पास? पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें की ऑडिट रिस्क बताने, ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस बतानी है, इश्यूज बताने। सही, एक बड़ा जबरदस्त सवाल है ये। अच्छा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अच्छा, जब मुझे ऑडिट रिस्क बताना है, तो अब जब मैं अपेंडिक्स पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या ढूंढना है बच्चों? जल्दी छेदी छेदी, अगर मुझे ऑडिट रिस्क बताना है और मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा तो जबरदस्त समझा, मुझे इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स ढूंढूंगे। जबरदस्त बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन: ParkTech ग्रुप हैज बीन एन ऑडिट क्लाइंट फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स। द पेरेंट कंपनी ParkTech इज अ लिस्टेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। सही है। द बिगेस्ट चैलेंज फेसिंग द ग्रुप आर द रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड द हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन which both have an impact on the popularity of the software service offered by the group. क्या यहाँ पे कोई risk factor है बच्चों? क्या इस वाले paragraph में कोई risk factor है? जबरदस्त जबरदस्त, technological changes and the high level of competition. सही है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास सवाल में एक रिस्क फैक्टर मौजूद है, मेरे पास सवाल में एक रिस्क फैक्टर मौजूद है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या है मेरे पास? रिस्क फैक्टर ये है कि यार टेक्नोलॉजिकल चेंज है और कंपटीशन है, तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा क्या, मेरा क्या रिस्क हो सकता है? मेरी एसेट की इंपेयरमेंट पे रिस्क हो सकता है। सही है जी, मेरी एसेट की इंपेयरमेंट पे रिस्क हो सकता है। बच्चों क्लियर है हम सारे यहाँ पे? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। सही है, तो ये तो बहुत कन्वेंशनल सवाल था, ये ऐसे पूछता रहता है। ठीक है, द ग्रुप हैज ग्रोन रैपिडली, द ग्रुप हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट इयर्स विद द पेरेंट कंपनी ParkTech हैविंग फॉलोड एन अग्रेसिव एक्विजिशन पॉलिसी, अग्रेसिव एक्विजिशन पॉलिसी विच हैज कंटिन्यूड इन द करंट ईयर। द ParkTech ग्रुप इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ होली ओन्ड एंड पार्टली ओन्ड सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर्स with other companies which also operate in the technology sector. During the current year, ParkTech has acquired a new subsidiary and has entered into an arrangement with another company to form a new company. We are satisfied with the control in place at the parent company, but there are ongoing concerns as to how the parent company has integrated the acquired companies into the group, as different systems and controls are in place in each company. Not all the group companies are audited by our firm. सही, एक बड़ा जबरदस्त पैराग्राफ दिया हुआ है, बड़ा जबरदस्त पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें कोई मसला है? इस पैराग्राफ को गौर से देखें प्यारे बच्चों, क्या इसमें कोई मसला दिख रहा है हमें? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक्विजिशन है, और इसके अलावा तो इससे ऑडिट रिस्क क्या है? इससे ऑडिट रिस्क क्या है?
ये ऑडिट इसको होता है कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। बच्चों अब देखें असल चीज क्या है, असल चीज क्या, चलें इसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखता हूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखता हूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रखता हूं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझिएगा मेरे सवाल को। द ग्रुप हैज आउट परफॉर्म्ड एक्सपेक्टेशन इन रिसेंट पीरियड्स एंड द मैनेजमेंट इज अंडर सिग्निफिकेंट प्रेशर टू कंटिन्यू टू रिपोर्ट गुड रिजल्ट्स इन द करंट ईयर। द बोर्ड हैव सेट एन अग्रेसिव टारगेट टू इंक्रीज द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बाय एटलीस्ट 15% and to increase the consolidated profit for the year by at least 10% in order to approve the management bonuses. The draft consolidated indicates the target has been achieved. Kya target diya hai bhai? Aggressive target to increase the consolidated revenue by at least 15%. Sahi hai? Or consolidated profit by at least 10%. Sahi hai? Achha, ek second. Mujhe koi bataya ga revenue kitne se bada hai? कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कितने से बढ़ा है? नहीं नहीं यहाँ पे कितने से बढ़ा है, यहाँ पे कितने से बढ़ा है? 11,279 को डिवाइड करें 9787 से, 15% ही आ रहा है, 15.3%। और दूसरी चीज क्या थी? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने से बढ़ा है? दो चीजें आप मेंशन कर दीजिएगा पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या कि भाई यहां पे बोनसेस दिए हुए, यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या दिए हुए, बोनसेस दिए हुए, और प्लस अगर मैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूं या ड्राफ्ट पीएनएल देखूं तो टारगेट बिल्कुल अचीव हो रहा है, सही है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क, किस चीज का रिस्क है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है प्यारे बच्चों, सही है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। देखिए यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे सीएफएफ वाले जो बच्चा है उसको लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पे फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिस्क है। एक मेरे पास रिस्क है, कौन से लेवल पे, जल्दी से बता दें कौन से लेवल पे बच्चों? तो एक तो मेरे पास रिस्क हो जाएगा एजर्शन लेवल पे रेवेन्यू का रिस्क, ये क्यों? बिकॉज रेवेन्यू का टारगेट दिया हुआ है, और दूसरा टारगेट दिया हुआ है प्रॉफिट का, चूंकि प्रॉफिट बढ़ाना है तो ये मेरा कौन से लेवल का रिस्क हो जाएगा, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए 10% अचीव करने के लिए कंपनी ने हर चीज करी होगी, सही है, सारे रेवेन्यू, सारे कॉस्ट, सारे एक्सपेंस, सारी क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सबको छेड़ा होगा, सही है। तो यहाँ पे दो फ्रॉड के रिस्क है प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक क्लियर है हम सारे? मैं तभी आपसे कह रहा हूँ ये MS7 के जो सवाल होते हैं C56 में इस तरीके से आ सकते हैं, और कुछ जो नीचे ट्रिकी IFRS के पार्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। डन हो गया मेरे बच्चों यहाँ पे? चले जी, following the resignation of the previous finance director in May 2021, a new finance director was appointed in October 2021. The new finance director has experience in other accounting standard but does not have significant experience in IFRS. There were also a number of resignation and replacement of other finance department staff in the year. The directors are very pleased with the draft FS despite staffing issue in the finance team. प्यारे बच्चों कुछ एक दो अच्छे कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस करने हैं। अगर फाइनेंस में स्टाफ की शॉर्टेज है, और फाइनेंस देखिए जबरदस्त फैजान साथ जबरदस्त, कॉम्पिटेंसी पे डाउट है, इंटेग्रिटी पे डाउट है, ये सही है, इससे मेरा ऑडिट रिस्क क्या है, इससे मेरा ऑडिट रिस्क बताया ना, ये सारे रिस्क फैक्टर है मैं लिख देता हूं। फाइनेंशियल कंट्रोलर के पास IFRS का एक्सपीरियंस नहीं है, ये लिख देता हूं। बहुत अरसे तक स्लॉट खाली रही थी, सही है, स्लॉट एम्प्टी थी, कोई बंदा ही नहीं था फाइनेंशियल कंट्रोलर, सही है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट में ठीक ठाक टर्न ओवर रहा, ये सारी चीजें लिखनी प्यारे बच्चों में। इसमें मसला क्या है यार, इसमें मसला क्या है, इससे ऑडिट रिस्क क्या है? ये वाला, ये जो फ्रॉड, हम ये वाला कॉलम आप समझ रहे ना, ये कॉलम किस चीज का है? तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ये तो मेरे पास रिस्क फैक्टर्स है, इससे मेरा ऑडिट रिस्क क्या हो सकता है?
सेम उसे कैसे हो जाएगा अली हैदर साहब, उसको तो बंदे को आता ही नहीं है। इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट मेरा ऑडिट इसको कहा नकी साहब। रिस्क यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई ना कर सके। और क्यों कंप्लाई नहीं करेगा? बिकॉज कंपनी का इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कंपनी का इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसके अंदर इतने सारे IFRS ट्रिगर हो रहे हैं, इतने कॉम्प्लेक्स IFRS ट्रिगर हो रहे हैं, देयर इज अ रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो IFRS से कंप्लाइंट ना हो। ये मेरे कौन से लेवल का रिस्क होगा मेरे बच्चों? जबरदस्त, जब अच्छा मेरी बात सुनिएगा, मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रख रहा हूं, वेयर हाउस डिपार्टमेंट में कोई सुपरवाइजर नहीं था छह महीने तक और वेयर हाउस डिपार्टमेंट में लोग बहुत ज्यादा टर्नओवर हुआ। इससे क्या रिस्क हो सकता है? जल्दी से बता दें, इससे क्या रिस्क हो सकता है? जबरदस्त, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई रिस्क नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से नहीं बने, ये रिस्क नहीं है। इसमें ये रिस्क है कि इसमें मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो सकती है, जो बंदा कह रहा था ना फ्रॉड का, वो यहां से लिंक होगा प्यारे बच्चों। क्या बात समझ आती है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के चांसेस ज्यादा है यहाँ पे, बिकॉज कंट्रोल नहीं है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलावा कहीं कंट्रोल मौजूद ना हो तो वहां पे फ्रॉड के चांसेस है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही अगर कंट्रोल मौजूद ना हो तो ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, इसमें एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों सारे यहां तक? ये फर्क समझने की कोशिश करेगा मेरे बच्चों, ठीक हो गया? अच्छा, तो हमने कितने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए? हमने एक रिस्क ये आइडेंटिफाई कर लिया, एक रिस्क फ्रॉड का आइडेंटिफाई कर लिया, एक रिस्क इसका, कितने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए? हमने तीन रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। सवाल कितने नंबर का है? 10 मार्क्स का है, सही? सवाल 10 मार्क्स का है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नीचे हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी है, इसके ऊपर भी हमने ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने है और इसके ऊपर हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस भी बतानी है। ये एक ट्रिकी पार्ट होगा, इसको लास्ट में देखना है हमने, सही है? ये सेम चीज यहाँ पे भी होगी, ऑडिट रिस्क बताना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस बतानी है। इसी तरीके से एक चीज यहाँ पे होगी, ऑडिट रिस्क बताना है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस बतानी है। मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। सवाल की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द की ऑडिट रिस्क, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज। जो अब तक मैंने तीन ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करे, उसमें कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू का मसला है? बच्चों ये बड़ा देखें, ये बड़ा जबर, ये पेपर के वक्त डिसीजन लेना होता है। जो अब तक मैंने तीन रिस्क बताए, हाँ नीचे जो मुझे पैराग्राफ्स दिए हुए सारे के सारे, देर इज अ पॉसिबिलिटी, और मुझे नीचे नंबर्स भी दिए हुए और कैलकुलेशन भी मांग रहे हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन आ सकती है। तो ये जो चीज मैंने आपको होल्ड पे रखाई थी, ये CFP 6 वालों के लिए भी बड़ा रेलिवेंट है, जो MS7 का बच्चा है उसके लिए भी बड़ा रेलिवेंट है, कि ये एक बड़ी खतरनाक इन्फॉर्मेशन है बच्चों, ये बड़ी खतरनाक इन्फॉर्मेशन है। ये कैसे खतरनाक इन्फॉर्मेशन है? कि अगर सवाल में लिखा हुआ है कि उसने बहुत सारी एक्विजिशन करी है, आपका पहला, चूंकि कंपनी ने बहुत ज्यादा एक्विजिशन करी है, आपका पहला रिस्क हो जाएगा कि IFRS 3 के हिसाब से जो बिजनेस कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से इसने गुडविल वगैरह सही डिटरमाइन नहीं की होगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? गुडविल क्यों सही डिटरमाइन नहीं करी होगी? बिकॉज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट सही डिटरमाइन, दो ही तो कंपोनेंट होते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स और फेयर वैल्यू ऑफ कैश कंसिडरेशन। तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट उसने शायद सही डिटरमाइन नहीं करी होगी। तो सबसे पहले कंसोलिडेशन में IFRS 3 आएगा, फिर उसके बाद एक और रिस्क आ जाएगा IFRS 10 का, और IFRS 10 का रिस्क ये आ जाएगा। और क्या रिस्क आ जाएगा जल्दी से बताते हैं, IFRS 10 का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बने होंगे, सही है? क्यों सही नहीं बने होंगे? बिकॉज एक और रिस्क है, और वो रिस्क ये है कि रिलेटेड पार्टीज के साथ बेतहाशा ट्रांजैक्शन हुई होंगी और वो ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएटली कैप्चर्ड नहीं हुई होंगी। रिलेटेड पार्टी के साथ बेतहाशा ट्रांजैक्शंस हुई होंगी और वो ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएटली कैप्चर नहीं हुई होंगी प्यारे बच्चों। क्या याद तक बात समझ आते हैं?
ये जो कह रहा है ना आपसे, होल्डिंग ने सब्सिडियरी के साथ ट्रांजैक्शन करी होगी वो तो रिकॉर्ड में आ जाएगी, लेकिन सब्सिडियरी वन ने सब्सिडियरी टू के साथ ट्रांजैक्शन करी होगी वो तो इंटीग्रेटेड नहीं है, सिस्टम ही अलग है तो वो तो इंटीग्रेट ही नहीं हो पा रहा होगा। मेरा पेरेंट कंपनी का सिस्टम ये बता ही नहीं पा रहा होगा कि भाई सब्सिडियरी वन ने सब्सिडियरी टू के साथ क्या ट्रांजेक्शन करी है। बच्चों यहां तक बात समझ आती है सबके? तो किस तरीके से मैं लॉजिकली लेके चलूंगा कि पहले मैंने IFRS 3 लिखा, फिर मैंने IFRS 10 लिखा, और IFRS 10 में इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एलिमिनेट होती है जो कि IS 24 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी कहलाती है, मैंने उसका तस्करा करा। बच्चों क्या याद है, बात समझ आती है, स्ट्रक्चर समझ में आता है। तीसरी चीज, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही क्यों नहीं बने होंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही क्यों नहीं बने होंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बने होंगे बिकॉज सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेरे प्यारे बच्चों सब्सिडरी के एफएस कंसोल हो रहे होंगे ना, तो सब्सिडरी के एफएस क्यों सही तरीके से कंसोलिडेटेड एफएस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे, बिकॉज सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिस स्टेटमेंट होंगी, और मैं सारी सब्सिडरी का ऑडिटर नहीं हूं, ऐसा है, मैं सारी सब्सिडरी का ऑडिटर नहीं हूं। बच्चों यहां तक बात समझ आ रही है, मैं सारी सब्सिडरीज का ऑडिटर नहीं हूं। ये जो एक लाइन लिखी है बड़ी खतरनाक, नॉट ऑल द ग्रुप आर ऑडिटेड बाय अवर फर्म, ध्यान हो गया बच्चों, समझ आती है, जब मैं ऑडिट ही नहीं कर रहा तो देयर इज अ रिस्क सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिस स्टेटमेंट होगी, और वो जब कंसोल में आएगी तो कंसोल में भी एक मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो सकती है। और सब्सिडरी और कंसोल से रिलेटेड कुछ समझ आता है, सब्सिडरी के जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी, जल्दी से बता दें, सब्सिडरीज की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी वो कंसिस्टेंट नहीं होंगी, ये भी रिस्क हो सकता है। सब्सिडरी का जो ईयर एंड हो सकता, सब्सिडरी का जो ईयर एंड है वो होल्डिंग के ईयर एंड से मैच नहीं कर रहा होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म नहीं होंगी, कंसिस्टेंट नहीं होंगी। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने तो ये रिस्क एफएस लेवल पे तो खोला है, आपका नाम महाम, मैंने ये रिस्क एफएस लेवल पे तो खोला है कि IFRS से कंप्लाइंट नहीं होगा, तो मैंने ये रिस्क एफएस लेवल पे खोला है। जब एफएस लेवल पे खोला है तो कंसोल भी आ गया, इन्वेंटरी भी आ गया, पीपी भी आ गया, सब आ गया। बच्चों तो आप देख रहे हैं, ये जो पैराग्राफ आपके पास दिया हुआ है ना, ये जो आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है बच्चों, ये जो पैराग्राफ आपके पास दिया हुआ है, ये इतना खतरनाक पैराग्राफ है, ये इतना खतरनाक पैराग्राफ है कि अगर सवाल में लिखा हुआ है कि जी कंपनी जो है मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मेरे पास कंपनी जो है प्यारे बच्चों, अगर सवाल में इतना लिख जाए कंपनी जो है उसकी बहुत ज्यादा सब्सिडरीज है, सही है, बहुत ज्यादा एसोसिएट्स है, बहुत ज्यादा ज्वाइंट वेंचर्स है, अगर ये चीज सिर्फ इतनी सी चीज लिखी भी आ जाए प्यारे बच्चों, सिर्फ इतनी सी चीज लिखी भी आ जाए, आप समझ रहे हैं ना, 5 से 6 रिस्क ट्रिगर कर जाएंगे मेरे बच्चों, आपको ये बात समझ आती है, 5 से 6 रिस्क ट्रिगर कर जाएंगे। सबसे पहली चीज कौन सी ट्रिगर करेगी, जल्दी से बता दे, सबसे पहली चीज कौन सी ट्रिगर करेगी, सबसे पहले IFRS 3 ट्रिगर कर जाएगा, मुझे मेरी बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है सबसे पहली चीज कौन सी ट्रिगर कर जाएगी, मेरे पास सबसे पहले IFRS 3 ट्रिगर कर जाएगा, और मैं कहूंगा IFRS 3 मैनेजमेंट ने बिजनेस कॉम्बिनेशन सही नहीं किया होगा। मुझे बताएं बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों सही नहीं किया होगा, दिल्ली से बताते बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों सही नहीं किया होगा, बिकॉज फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट सही डिटरमाइन नहीं की होगी, ऐसा ही है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट सही डिटरमाइन नहीं करी होगी, गुडविल सही डिटरमाइन नहीं करी होगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा मेरी बात सुनिएगा प्यारे बच्चों, अगले 5 मिनट आपने बड़ा सुकून से सुनना है, सुकून से सुनना है, ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई, सही है। अगली चीज जहां ही IFRS 3 हो गया, चीजें आ गई मेरे पास, अगला मसला किस चीज का आ जाएगा, अगला मसला आ जाएगा मेरे पास IFRS 10 का, और 10 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेरा रिस्क ये है, कंसोलिडेटेड एफएस सही नहीं होंगे, क्यों सही नहीं होंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं होंगी,
मेरी बात बड़े गौर से सुननी है आपने, क्यों सही नहीं होंगे, क्यों सही नहीं होंगे, जल्दी से बता दें। फाइनेंशियल ईयर एंड मैच नहीं कर रहा होगा, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। और डन हो गया प्यारे बच्चों। और सब्सिडरी के एफएस में, सब्सिडरी के एफएस में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगी, बच्चों क्लियर हम सारे यहां पे? तो आप समझ रहे कि एक लाइन से, अच्छा ये जो मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूं इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर मौजूद है। ये रिस्क क्यों आइडेंटिफाई किया? बिकॉज कंपनी, सवाल में लिखा हुआ है कंपनी की एक्विजिशन करती है, सवाल में लिखा हुआ है। मैंने ये वाले रिस्क क्यों आइडेंटिफाई करे? बिकॉज कंपनी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रही होती है। मैंने ये वाला रिस्क क्यों आइडेंटिफाई करा? इसलिए आइडेंटिफाई किया बिकॉज सवाल में लिखा हुआ है कि आप सब्सिडरी के ऑडिटर नहीं है। ऐसा ही है प्यारे बच्चों, अगली बात मेरी गौर से सुनिए। ये तो एक सवाल हो गया ना, सवाल क्या था, ये सवाल क्या था, क्या आइडेंटिफाई करना है? मुझे सवाल क्या था, क्या आइडेंटिफाई करना है, सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या आइडेंटिफाई करना है? ऑडिट रिस्क। मैं एक और रिक्वायरमेंट बढ़ा देता हूं, मैं एक और रिक्वायरमेंट ऐड कर देता हूं, मैं मेरे प्यारे बच्चों एक और रिक्वायरमेंट ऐड कर देता हूं। और वो रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है, वो रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि मैं ऑडिट प्रोसीजर्स भी लिख देता हूं। सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मैं ऑडिट प्रोसीजर्स भी लिख देता हूं। अब ये CFF6 वाले भी सुने और MS-1 वाले भी सुने, चूंकि दोनों इस क्लास में मौजूद है। प्यारे बच्चों ये याद है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, CFF6 में सवाल आया था एक, मैं एक्सपर्ट को एंगेज करता था, याद है, एक्सपर्ट के प्रोसीजर लिख देता था, मुझे कैश कंसीडरेशन कहां से मिलेगी, मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन का एग्रीमेंट देख लेता था, एग्रीमेंट में क्या देखता था, कितने नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर करे, याद आ रहे हैं प्यारे बच्चों? ये आपके CFF6 का सवाल है। डन हो गया। एक और बड़ा खतरनाक रिस्क है, एक और बड़ा खतरनाक रिस्क है, ये जो गुडविल है ये कल को क्या होगी, आइजा 540 याद है, इंपेयरमेंट के प्रोसीजर्स याद है मेरे प्यारे बच्चों? बच्चों समझ आ रही है आपके पास? अच्छा मैं सब्सिडरी के एफएस का ऑडिट नहीं कर रहा, मैं सब्सिडरी के एफएस का ऑडिट नहीं कर रहा, कौन सा आइजा प्रोसीजर्स में कौन सा आइजा अप्लाई हो जाएगा, जल्दी से बता दें मेरे प्यारे बच्चों। जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया मेरे बच्चों, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आपके समझ आ रही है बात कि बस ये इस तरीके से ये चीजें हमने माशाल्लाह से पढ़ी हुई है, बट एक बड़े सवाल में आती है तो बस आपके सोचने के साथ बड़ा सवाल देख के डर जाते हैं। बड़ा सवाल देख के थोड़ी डरना है मैंने, क्या CFF6 वालों के लिए मसला ही ऑडिटर्स का आइडेंटिफाई करना? क्या CFF मेरे लिए तो रिस्क भी मसला नहीं है, मेरे लिए तो प्रोसीजर्स भी मसला नहीं है, क्या यहां तक बात समझ आ रही है? मैं उसको ग्रुप रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस भेजूंगा, उसकी कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी को इवेल्युएट करूंगा। डन हो गया बच्चों? तो मैंने 7-8 रिस्क उसको आइडेंटिफाई करके दे दिए बच्चों, ठीक है। मेरे जवाब सबने देना है। असल चीज यहां पर, असल चीज यहां पर है। सेल ऑफ न्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब ये मेरी बात सुनिएगा बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है, ये ट्रिकी पार्ट है। अभी वार्म अप हो रहा था, 20 मिनट वार्म अप कर लिया हमने, अब इस सवाल को पढ़ना है, अपेंडिक्स 2 को पढ़ना है। और अपेंडिक्स 2 में मुझे क्या दो चीजें लिखनी है जल्दी से बता दें,
अपेंडिक्स टू में मेरे प्यारे बच्चों मुझे अब क्या दो चीजें लिखनी है, रिस्क एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिस्क एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जबरदस्त, रिस्क एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मुझे ऑडिट रिस्क भी बताना है प्लस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी एक्सप्लेन करना है, प्लस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, एक्सप्लेन, बेहतरीन हो गया। यहां पे ड्राफ्टिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ड्राफ्टिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगी। सही, क्यों मैटर करेगी, समझने की कोशिश करेगा इसको। ड्यूरिंग द करंट ईयर पार्क टेक कंप्लीटेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर विच अलाउड द फूड रिटेलर्स टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑन अ पेरिशेबल इन्वेंट्री। The new software is a cloud-based service which was made available for sale from August 2021 under 2-year service contract. Under the terms of the contract, customer will have access to the software from their remote location and will access the data which allow them to proactively manage their inventory. For the software to be effective, small scanners are required to be installed on the customer shelves and in refrigerators which send information to the cloud on a real-time basis. The software cannot be used without the scanners and the scanners serve no purpose on their own and are not sold separately from the software. To encourage the To encourage the retailers to purchase the new software, Parktel sells the software on a buy now, pay later agreement under which the customer pays a deposit when they entered into a contract but will then have nothing further to pay until the end of the 2-year service contract, at which point the balance is payable. This payment option has proven popular with the customer due to challenging economic circumstances and the fact that the Parktel has offered this to the customer on an interest-free basis. In August 2021, Parktel entered into a contract with a large supermarket chain for the immediate installation of the scanner and commencement of the software service contract. Parktel received a deposit of 100 million. In respect of the contract and the supermarket chain will pay the balance of 700 million in August 2023. The prevailing rate for the lending to customer with the credit rating similar to the supermarket is 7% per annum. The finance director has instructed to recognize the total amount of revenue under the contract in full in the draft financial statement. She has argued that the contract was signed before the year end as it is legally binding. The revenue is guaranteed. At the date of signing the contract, the supermarket was considered highly likely to pay amount when they fall due. And therefore, no allowance has been created in respect of the trade receivable. Parktel will earn a profit margin of 30% on this contract. प्यारे बच्चों सही है, ये बहुत जबरदस्त उसने बड़ा सवाल आपको दिया है। आप सबके मुंह से IFRS 50 निकल रहा है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन निकल रहा है, सब कुछ बेहतरीन है मेरे प्यारे बच्चों, सब कुछ बेहतरीन है। द पॉइंट इज, मसला क्या है, मसला ये है, दो मसले सवाल में, इस सवाल में दो मसले। पहला मसला मेरे प्यारे बच्चों, पहला मसला आपको ऑडिट रिस्क बताना है। पहला मसला, मेरी बात समझने की कोशिश, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह आपका बड़ा फायदा होगा। सही है, पहला मसला मुझे ऑडिट रिस्क बताना है, दूसरा मसला मुझे क्या बताना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू एक्सप्लेन करना है। समझ आती है बात? पहली चीज मुझे क्या बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, ऑडिट रिस्क। दूसरी चीज मुझे क्या बतानी है, फाइनेंशियल। सुनिएगा मेरी बात को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू को एक्सप्लेन करना है। मुश्किल क्या आ जाता है हमारे लिए, मुश्किल क्या हो जाता है हमारे लिए, मुश्किल हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हो जाता है प्यारे बच्चों। सही है, अगर इसके ऊपर मुझसे वो कहता है कि बताओ रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होना चाहिए, मैं और आप फॉरन से कर लेते हैं, लेकिन जब वो मुझसे कहता है ना मुझे एक्सप्लेन करो, यहां थोड़ा सा मसला आ जाता है। सही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बच्चों 10 मिनट मुझे देंगे, एक जबरदस्त चीज आपको समझा दूं, मैं बिल्कुल दे रहा हूं फैजान साहब, बिल्कुल दे रहा हूं। क्या ये बात समझ आती है मेरी? एक बात थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लें और समझने की कोशिश करें। मेरी ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या आपको यह बात समझ आती है? सबसे पहले टेक्निक मेरी दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, मेरी ये दोनों चीजें हमजा साहब सेम होनी चाहिए। सही है, ऐसा नहीं हो सकता कि सवाल पढ़ के ऑडिट रिस्क आपने एक्स बताया और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू आपने वाई बताया। द ऑडिट रिस्क शुड बी लिंक्ड विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू, क्योंकि जब मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू रखना है तो मुझे किसको सामने रखना पड़ेगा, जब मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू एक्सप्लेन करना है तो अभी जो आप कह रहे थे किसको सामने रखना पड़ेगा, IFRS 15 को।
और ऑडिटर्स भी क्या होता है, ऑडिटर्स भी ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद IFRS के हिसाब से ना बना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही सवाल हो, एक ही सिनेरियो, और यहाँ रिस्क में IFRS कुछ और बता रहा हूँ और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू में IFRS कुछ और बता रहा हूँ। ये दोनों आपके लाजमी क्या होने चाहिए मेरे बच्चों, ये दोनों आपके लाजमी लिंक होने चाहिए। सही है। अब हम सवाल वापस से पढ़ते हैं। सही है। और मैं क्या ढूंढने की कोशिश करता हूँ, रिस्क फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, बिल्कुल एक्टिव रहना है सब में। जो मैं सॉफ्टवेयर दे रहा हूं कितने साल के लिए दे रहा हूं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कस्टमर के पास फॉरन से सॉफ्टवेयर का एक्सेस आ जाएगा फ्रॉम रिमोट लोकेशन, और वो एक डेटा को एक्सेस कर सकेगा। फॉर द सॉफ्टवेयर टू बी इफेक्टिव, तो सर ये जो रिमोट लोकेशन पे डेटा ट्रांसफर कैसे होगा, ट्रांसमिशन कैसे होगी? सर ट्रांसमिशन ऐसी होगी कि स्मॉल स्कैनर भी लगाना पड़ेगा, आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द कस्टमर शेल्स एंड इन रेफ्रिजरेटर विच सेंड इंफॉर्मेशन टू द क्लाउड ऑन अ रियल टाइम बेसिस। द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज विदाउट द स्कैनर। प्यारे बच्चों, सवाल में अपेरेंटली ऐसा लग रहा है, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि सवाल में दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। सही है। अपेरेंटली सवाल को देख के ये लग रहा है कि दो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है। ऐसा ही है भाई, एक अदद हार्डवेयर है, एक अदद हार्डवेयर है, एक अदद सॉफ्टवेयर है, एक अदद हार्डवेयर है, एक अदद सॉफ्टवेयर है, एक अदद हार्डवेयर है, ऐसा लग रहा है। सही है। मेरा ऑडिट रिस्क क्या है, मेरा ऑडिट रिस्क क्या है, बस मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो मेरा ऑडिट रिस्क क्या है, मेरा ऑडिट रिस्क ये है, मेरा ऑडिट रिस्क। अच्छा, थोड़ा सा इसको कोशिश क्या करनी है, थोड़ा सा इन सवाल पढ़ के कोशिश ये करनी है हमने कि हम फॉरन से कहाँ चले जाए, हम फॉरन से रिस्पेक्टिव IFRS में चले जाए। सही है। आपको फॉरन से जो MSA 1 वाला है, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास IFRS की किताब होगी तो आपने IFRS 15 ये सामने रखना है, ये IFRS 15 के पैराग्राफ पैराग्राफ 22 आपने सामने रखना है। जब तक आप IFRS 15 का पैराग्राफ 22 सामने नहीं रखेंगे, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकेंगे। सही है। Once an entity established, it has a contract to which the 5-year step model can be applied. The next step is to assess whether there are goods or services promised in the contract that represent separate performance obligation. A separate performance obligation can be either a goods or service that is distinct. अच्छा, what is distinct? इसको देख लेते हैं। Both the following criteria must be met in order for a goods or service to be classified as distinct. The customer can benefit from the goods or service either on its own or together with the other resources that are readily available to the customer. That is, goods or service is capable of being distinct, and the entity promised to transfer the goods or service to the customer is separately identifiable from other promises in the contract. That is, the promise to transfer the goods or service is distinct with the context of the contract. आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ जी, अब बताएं, अब क्या करें? क्या ये डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है? क्या मैं उसको हार्डवेयर दे दूं तो क्या वो हार्डवेयर यूज कर सकता है, और अगर मैं उसको सॉफ्टवेयर दे दूं तो क्या वो हार्डवेयर यूज कर सकता है? प्यारे बच्चों, इसका मतलब है मेरे एग्रीमेंट में दो चीजें हैं, लेकिन ये दोनों की दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों की दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है। मतलब दोनों को मुझे सेपरेटली इवेल्युएट नहीं करना पड़ेगा। सवाल में मेरे पास क्या है, एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अब आप जब आपने ये वर्ड सामने रख लिए, आपने ये वर्ड सामने रख लिए, तो इसमें से कीवर्ड्स कौन से थे? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? ये कीवर्ड्स हैं आपके पास, ये कीवर्ड्स हैं। अच्छा, सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है? ये जो मैंने आपके सामने दो पैराग्राफ पढ़े, प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने दो पैराग्राफ पढ़े, क्या सवाल में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसको मैं सेलिंग कर सकूं? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा, सुनिएगा। तो सीधे हाथ पे आपके पास IFRS की किताब खुली हुई, उल्टे हाथ पे MS 1 का पर्चा है, क्या दोनों में कोई अलाइनमेंट है? समझने की कोशिश करें। सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसके बेसिस पे मैं कहूं बस यही तो चाहिए था मुझे? इस पूरे पैराग्राफ में मेरे पास प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त, बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। बस समझ आ रहा है?
ये चीज समझ आ रही है? द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज विदाउट द स्कैनर्स एंड द स्कैनर्स सर्व नो पर्पस ऑन देयर ओन एंड आर नॉट सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. तो ये जो बातें इसने लिखी है क्यों लिखी है? जहां इसने ये बात लिखी आपने फौरन से इस लाइन को पकड़ा. अच्छा, पहली चीज मुझे ये बता दें, मेरा ऑडिट इसका होगा. मेरा पहला रिस्क ये होगा कि देयर इज अ रिस्क कि कंपनी ने, सुनिएगा मेरी बात को. अच्छा चले, मैं आपको एक और चीज बताता हूं. इसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन क्या है? बच्चों, वो कह रहे हैं एक्सप्लेन करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन. कंपनी प्रोवाइड्स फॉलोइंग, सुनिएगा, वन हार्डवेयर, टू सॉफ्टवेयर. बच्चों सुनिएगा मेरी बात को, वन हार्डवेयर, टू सॉफ्टवेयर. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू क्या है कि दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेस, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट्स सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन. Therefore, it represents single performance obligation. Why? Because hardware is of no purpose. ऐसा ही लिखा हुआ है. And cannot be sold. And vice versa. ऐसा ही है प्यारे बच्चों. ये जो चीज थी ये सवाल में दी हुई थी, ये आपके आंसर में लाजमी होना चाहिए. अच्छा, दो मिनट नमाज का ब्रेक, अजान का ब्रेक ले लेते हैं. बच्चों चलें जी, स्टार्ट करें बच्चों. ये बात समझ आती है आपके जो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं? ये समझ आता है सबके कि ये चीज मैंने कहां से लिखी? क्वेश्चन से. ठीक है, ये चीज मैंने कहां से लिखी जल्दी से बता दें. और ये चीज मैंने क्वेश्चन से लिखी. आपका सवाल, आपका क्वेश्चन और आपका IFRS आपस में क्या होना चाहिए? लिंक्ड होना चाहिए. समझ आ रही है बात? ये आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू एक्सप्लेन कर दिया. अब मुझे बताएं, जब मुझे ऑडिट रिस्क बताना होगा, तो ऑडिट रिस्क में क्या क्या वर्ड यूज होने चाहिए जल्दी से बता दें. कंपनी रिस्क फैक्टर क्या है? कंपनी provides hardware and software to customer, therefore there is a risk of overstatement keh le ya misstatement keh le, therefore there is a risk of overstatement ya misstatement on revenue. kyun? Because performance obligation may not be determined correctly or accurately, and suniyega meri baat ko, management had an incentive / pressure to overstate revenue to achieve target. ye baat samajh aati hai? bachcho, ये जो ऊपर सवाल में दिया हुआ था, नीचे इसको भी लिंक करना है. इसका IFRS 15 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन में कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन इसका इंपैक्ट कहां पे आ जाएगा? इसका इंपैक्ट मेरे पास ऑडिट रिस्क में आ जाएगा. बच्चों यहां तक बात समझ आती है? तो अब आप देखें, अब आप एक चीज इंश्योर करें, मेरी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो गई है कि मेरे आंसर में, मेरे सवाल में
मेरे ऑडिट लिस्ट में भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आ रहा है, मतलब टू डिस्टिंक्ट गुड्स आ रही है। मेरे ऑडिट लिस्ट में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी आ रही है, मेरे क्वेश्चन मेरे ऑडिट लिस्ट में रेवेन्यू भी आ रहा है, और इन्हीं सारी चीजों को मैंने कहां लिख दिया प्यारे बच्चों, इन्हीं सारी चीजों को मैंने कहां एक्सप्लेन किया हुआ है, इन्हीं सारी चीजों को मैंने कहां एक्सप्लेन किया हुआ है प्यारे बच्चों, इन्हीं सारी चीजों को मैंने IFRS में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या समझ आ रही है आपके बात यहां तक? ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं उस पर भी डेटा प्रोटेक्शन पे भी आता हूं उस्मान आगे में। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? ये ड्राफ्टिंग समझ आती है आपकी, कंसिस्टेंसी समझ आती है, सबसे ट्रिकी पार्ट है MS-1 का। ये ड्राफ्टिंग अगर आप सीख गए इंशाल्लाह तो पेपर पास हो जाएगा। थोड़ा सवाल आगे आते हैं, चले अब इस वाले सवाल को देखते हैं। टू एनकरेज द रिटेलर्स टू परचेज द न्यू सॉफ्टवेयर, पार्कटेक सेल्स द सॉफ्टवेयर ऑन अ बाय नाउ पे लेटर अरेंजमेंट अंडर विच द कस्टमर पेज अ डिपॉजिट वेन दे एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट बट विल देन हैव नथिंग फर्दर टू पे अंटिल द एंड ऑफ द 2 year सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एट विच पॉइंट द बैलेंस इज पेबल। दिस पेमेंट ऑप्शन हैज प्रूवन पॉपुलर विद द कस्टमर ड्यू टू द चैलेंजिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस एंड द फैक्ट दैट द पार्कटेक हैज ऑफर्ड दिस टू द कस्टमर ऑन एन इंटरेस्ट फ्री बेसिस। मेरे बच्चों क्या मसला है, किस चीज का मसला है इसके अंदर? क्या इसके अंदर क्या फाइनेंसिंग कंपोनेंट ना बोले, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट बोले, सही है? इसके अंदर क्या शामिल है? इसके अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट शामिल है, सही है? इसके अंदर सिग्निफिकेंट, तो आ जाए जी सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को देखते हैं। इन डिटरमाइनिंग द ट्रांजेक्शन प्राइस अ प्रॉमिस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी if the timing of the payment agreed to by the parties to the contract provides the customer or the entity with a significant benefit of financing the transfer of goods or services in such circumstances the contract contains a significant financing component which may exist irrespective of whether the promise of financing is stated explicitly or in the implied sahi hai acha to iska matlab hai karna kya padega in determining the transaction price a promised amount of the concession is adjusted for the effect of the time value of money if the timing of the payment agreed to by the party to the contract provides the customer or entity with a significant benefit. क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा दो, ये एक ही चीज दो बार कॉपी हो गई है, ये एक ही चीज गलती से दो बार कॉपी। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 800 मिलियन है, इसमें से एक कॉम्पोनेंट किस चीज का शामिल है? सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट का शामिल है। मुझे अब जल्दी से बता दें मेरा ऑडिट रिस्क क्या होगा, और सवाल में रिस्क फैक्टर क्या है? ऐसा रेवेन्यू ओवरस्टेटेड ऑडिट रिस्क मेरा यह है कि रेवेन्यू ओवरस्टेटेड होगा। क्यों ओवरस्टेटेड होगा रेवेन्यू? रेवेन्यू ओवरस्टेटेड क्यों होगा? क्योंकि मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया होगा या उसको कंसीडर नहीं किया होगा, ऐसा ही है प्यारे बच्चों। मुझे बताएं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू क्या होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू पे मुझे क्या वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे? सवाल में आपने ये लिखना है, सुनिएगा मेरी बात को, सवाल में आपने आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन एक्सप्लेन करते हुए आपने क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना है, सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
A promise amount of consideration is adjusted for the effect of the time value of money if the timing of the payment agreed to by the parties to the contract provides the customer with a significant benefit of financing the transfer of goods or services. क्या सब क्या सवाल में ऐसी कोई चीज लिखी हुई है जिससे पता चल जाए कि सिग्निफिकेंट बेनिफिट है? सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे पता चल जाए कि सिग्निफिकेंट बेनिफिट है? उससे लिंक करना है, सवाल से लिंक करना है, जल्दी से बता दे। सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे पता चल जाए कि सिग्निफिकेंट बेनिफिट है? Because the fact that the PagTech has offered this to the customer on an interest-free basis. On an interest-free basis. Interest zabardast tala. सवाल में इस चीज को आपने लिंक करा, सवाल में इस चीज को आपने लिंक करा और आपने कहा चूंकि चूंकि पेमेंट दो साल बाद करनी है, पेमेंट दो साल बाद करनी है और मैं जो उसको दो साल बाद मुझसे वो मैं उससे जो पैसे ले रहा हूं उसके ऊपर मैं उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा, इंटरेस्ट फ्री कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं उसको एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट दे रहा हूं। मैं उसको तो आपको कैलकुलेशन आती है लेकिन जब लिखना पड़ता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों के, यहां तक बात समझ आती है? जब लिखना पड़ता है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, तो सवाल तो सीधे हाथ पे IFRS रखा, उल्टे हाथ पे आपने MSA1 का सवाल रखा और आपने रिक्वायरमेंट को पढ़ के ये एनालाइज करना है कि सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे ये कीवर्ड्स को मैं लिंक कर सकूं। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? बेहतरीन हो गया बच्चों, बेहतरीन हो गया। अच्छा इसी सवाल को और गौर से देखें, मैनेजमेंट ने सारा का सारा रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर लिया है? मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो 100 मिलियन का मुझे डिपॉजिट मिला, 700 मिलियन वो दो साल बाद पे करेगा, 7% का इंटरेस्ट रेट है इसके ऊपर। द फाइनेंस डायरेक्टर इज इंस्ट्रक्टेड टू रिकॉग्नाइज द टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इन फुल इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट ने 800 मिलियन का रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर लिया प्यारे बच्चों, मैनेजमेंट ने 800 मिलियन का रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर लिया, सही है? मुझे बताएं जब इसने 800 मिलियन का आज रेवेन्यू, तो रेवेन्यू किस बेसिस पर रिकॉर्ड होता है? ये IFRS आपके सामने है, ये IFRS आपके सामने प्यारे बच्चों। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है? जब एंटिटी सेटिस्फाई कर दे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, when the entity satisfies a performance obligation by transferring a promised goods or service. What is promise in the good? What is promise in the agreement? The promise is to provide a 2-year contract service. The promise is to provide a 2-year contract service. Aisa hi hai. Matlab agar main aapse kahun what is the performance obligation? The performance obligation is to provide 2-year कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। प्यारे बच्चों का रेवेन्यू आज रिकॉर्ड होगा, अगर मैं रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर लूं, अगर दो साल तक एक्सपेंसेस इनकर करता रहूं तो क्या ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है? अच्छा मैं रेवेन्यू को दो साल बाद रिकॉर्ड करूं, मुबशर साहब मैं रेवेन्यू को दो साल बाद रिकॉर्ड करूं, नहीं सर देखे ना मीनिंग ऑफ कंट्रोल का क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज आर एसेट इवन इफ ओनली व्हेन दे आर रिसीव्ड एंड यूज्ड, कंट्रोल ऑफ एन एसेट रेफर्स टू द एबिलिटी टू डायरेक्ट द यूज एंड टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द रिमेनिंग बेनिफिट फ्रॉम द एसेट। तो क्या वो हर महीने बेनिफिट ले रहा होगा प्यारे बच्चों? क्या कस्टमर हर महीने बेनिफिट ले रहा होगा? सवाल देख के बताएं, क्या क्या कस्टमर हर महीने बेनिफिट ले रहा होगा? क्या दो साल बाद उसका, क्या दो साल बाद उसकी वेस्टेज कम होगी? क्या दो साल बाद उसकी वेस्टेज कम होगी या हर महीने उसकी वेस्टेज कम होती रहेगी? बस प्यारे बच्चों दैट ये सवाल, तो ये जो IFRS आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो IFRS आपके सामने लिखा हुआ है, आपने इन्हीं वर्ड्स को यूज करके सवाल से क्या करना है, लिंक करना है ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंप्लीकेशन एक्सप्लेन कर सके। आप समझ रहे हैं? आपने सिर्फ IFRS नहीं लिखना, आपने सिर्फ सवाल नहीं लिखना, आपने दोनों का आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है बच्चों। ये बात समझ आती है? आपने कहा
भाई रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई जाएगी। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज टू अंडर अ टू ईयर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट द कंपनी हैज टू प्रोवाइड द सर्विस फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स। फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स द कस्टमर विल हैव एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर फ्रॉम देयर रिमोट लोकेशन, सो दैट इज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या कंट्रोल आज ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, कंट्रोल आज ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्या कंट्रोल दो साल बाद ट्रांसफर हो रहा है? नहीं, कंट्रोल दो साल बाद ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो कंट्रोल कब ट्रांसफर हो रहा है? कंट्रोल डेली बेसिस पर ट्रांसफर हो रहा है मेरा, जहां जैसे जैसे मैं उसको सर्विस प्रोवाइड किए जा रहा हूं वैसे वैसे उसके इकोनॉमिक बेनिफिट वो अचीव किया जा रहा है। तो रेवेन्यू मेरा किस पीरियड में रिकॉग्नाइज होना चाहिए? ओवर द टाइम रिकॉग्नाइज होना चाहिए। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अगर सवाल में वाकई में दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती, हार्डवेयर एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता और सॉफ्टवेयर दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती, तो ये जो हार्डवेयर है इसको मैं, क्या ये बात समझ आती है? तो तभी बड़ा ट्रिकी पार्ट होता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर ये दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती, दो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती, तो जहां मैंने उसको हार्डवेयर ट्रांसफर कर दिया मैं पॉइंट ऑफ टाइम पे कर लेता। अगर तो वो सॉफ्टवेयर के बगैर उसको यूज कर, मैं वही कह रहा हूं, अजम्पशन ये है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दो अलग अलग है। और फिर सॉफ्टवेयर जो रिमेनिंग 700 मिलियन होता, जो रिमेनिंग 700 मिलियन होता वो ओवर द टाइम होता, तभी वो आपसे आईएफआरएस कहता है कि आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को डिटरमाइन करना है। बच्चों ये चीज समझ आ रही है? जो उल्टे हाथ पे सवाल है और सीधे हाथ पे जो आईएफआरएस है, इसको आपस में आपने क्या करना है बच्चों? इसको आपस में क्या करना है? इसको आपस में लिंक, अगर आईएफआरएस में एक वर्ड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का है तो आपने सवाल में बताना है कि दैट इज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर आईएफआरएस में वर्ड यूज हो रहा है ट्रांसफर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या कंट्रोल ट्रांसफर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो आपने सवाल में बताना है कि भाई ये कंट्रोल है। क्लियर है हम सारे यहां तक? चलिए जी, एक और बड़ा जबरदस्त, एक और जबरदस्त चीज, स्टार्टअप ऑफ एससीएल। पार्कटेक lack the expertise and the resources needed internally to manufacture the scanners required for the new software, but did not want to fully outsource the manufacture. To achieve this, Parktech has entered into an arrangement with Karachi Manufacturing, a hardware manufacturer. In January 2021, Parktech and Karachi Manufacturing each invested initial capital of ₹850 million in SCN, a newly formed company. अब्दुल अनान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चूंकि सवाल में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं डिस्काउंट इसलिए दे रहा हूं बिकॉज चैलेंजिंग इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेज हैं, तो एक और रिस्क मेरा इस चीज का अराइज हो सकता है IFRS 9 का, कि जो मेरा रिसीवेबल रिकॉर्ड हो रहा होगा, रेवेन्यू क्रेडिट होकर रिसीवेबल रिकॉर्ड हो रहा होगा, उसकी इंपेयरमेंट का भी रिस्क हो सकता है कि दो साल बाद पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चा, ये सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। SCN was set up for the initial purpose of manufacturing the scanner, but is also expected to undertake the manufacturing of the similar hardware and components in the future. The shares of SCN are held equally by the Parktech and the Karachi Manufacturing under the terms of the contract. Neither Parktech nor Karachi Manufacturing having an interest in the asset or obligation for the liabilities of the SCN. The capital invested was not sufficient to allow SCN to purchase the asset it required, and it had to raise additional finance by taking out substantial bank loans and entering into a lease agreement to fund its asset. Parktech purchased scanners from SCN totaling ₹200 million in the period to 30 November 2021, which has not been settled at the year end. Parktech has used 60% of the scanner purchased from SCN in the supermarket contract. The remaining 40% remain in the inventory at the year end. प्यारे बच्चों जल्दी से बता दे ये क्या है? क्या ये joint arrangement है? क्या ये joint arrangement है? बच्चों क्या ये joint arrangement है? क्या ये IFRS 11 है? हाँ जी, क्या ये joint operation है कि joint venture है? क्या ये joint operation है कि joint venture है?
ज्वाइंट ऑपरेशन होगा अकाउंटिंग अलग हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर होगा अकाउंटिंग अलग हो जाएगी, ये पता है ना हमें। तो मेरा पहला ऑडिट रिस्क क्या हो गया, मेरा पहला ऑडिट रिस्क हो गया जी ये एक ज्वाइंट अरेंजमेंट है एंड द रिस्क इज मैनेजमेंट इसको सही क्लासिफाई नहीं किया होगा, मैनेजमेंट इसको ज्वाइंट ऑपरेशन या ज्वाइंट वेंचर में सही क्लासिफाई नहीं किया होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? दोनों में फर्क पता है ना हमें, यहां पे नेट एसेट का वर्ड यूज होता है और यहां पे एसेट्स का वर्ड यूज होता है। मैं समझा देता हूं, मैं समझा देता हूं, मेरी बात सुनिएगा। ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है, और दोनों कंपनीज क्या करती हैं, दोनों कंपनीज एक अरेंजमेंट में आती हैं, और अरेंजमेंट क्या हो सकता है, ज्वाइंट ऑपरेशन भी हो सकता है, जब दोनों आई तो इसका मतलब ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट ऑपरेशन भी हो सकता है और ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है। ज्वाइंट वेंचर में क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर में क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर में नॉर्मली एक और कंपनी बनेगी जिसका नाम होगा कंपनी सी, सही है, एक नाम होगा कंपनी सी, ठीक है। अगर कल को कंपनी सी ने बैंक से लोन लिया हुआ है, कंपनी सी ने बैंक से लोन लिया हुआ है और कल को कंपनी सी खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाती है, तो ये जो बैंक है, ये जो बैंक है ये कंपनी से पैसा मांगेगा, ये कंपनी से पैसा मांगेगा, बैंक कंपनी सी के जो दो शेयर होल्डर है कंपनी बी और कंपनी ए, इनके दरवाजे पे नहीं आएगा बिकॉज ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। तभी तभी कंपनी ए और कंपनी बी का, कंपनी ए और कंपनी बी का इस कंपनी सी में उसके नेट एसेट पे राइट है, उसकी एसेट और लायबिलिटी पे कोई उसकी ऑब्लिगेशंस नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है? लेकिन अगर मैं ज्वाइंट ऑपरेशन पे आता हूं और कोई सेपरेट कंपनी नहीं बना रहा होता हूं और मैं एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहा होता हूं, तो यहां पे अगर फॉर एग्जांपल इस ज्वाइंट ऑपरेशन ने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो अल्टीमेटली अगर बैंक को मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा तो ये बैंक किसके पास आएगा, कंपनी ए के पास आएगा या कंपनी बी के पास आएगा। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये ज्वाइंट वेंचर की डेफिनेशन पढ़ ली, जल्दी से पढ़ ले ज्वाइंट वेंचर की डेफिनेशन। सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है, सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से पता चल जाए कि ये ज्वाइंट वेंचर है? प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? A newly formed company है, a newly formed company, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, have interest under the terms of the contract, neither Parktech nor Karachi Management have an interest in the asset or obligation for the liabilities of SCN। तो ये आपने सवाल की इन दो information को किसके साथ लिंक करा, IFRS की इस वाली requirement के साथ लिंक करा, IFRS की इस रिक्वायरमेंट के साथ लिंक करा, और इसको लिंक करके आपने कहा कि जी दिस इज द जॉइंट वेंचर। डन हो गया बच्चों? जब ये जॉइंट वेंचर है, जब ये जॉइंट वेंचर है तो इसकी अकाउंटिंग किस बेसिस पे होगी? इक्विटी मेथड पे, सही है। कंसोलिडेटेड एफएस में किस बेसिस पे होगी? इक्विटी मेथड पे। मैंने कितना पैसा लगाया, मैंने कितना पैसा लगाया, 850 मिलियन। मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 850 मिलियन। प्यारे बच्चों जी एग्जैक्टली, डबल एग्जैक्टली, मेरी इक्विटी मेथड, मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 850। और कंपनी को कितना लॉस हुआ, जो एक सेपरेट कंपनी, कितना लॉस हुआ? 160 मिलियन का। इस लॉस में से मेरा हिस्सा कितना है, इस लॉस में से मेरा हिस्सा कितना है? क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? क्या यहां तक बात समझ आती है? लेकिन एक और मसला ये है, लेकिन एक और मसला ये है कि ये जो लॉस हुआ है, ये जो लॉस है 160 मिलियन का, इसके अंदर एक प्रॉफिट भी शामिल है, इसके अंदर एक प्रॉफिट भी शामिल है। इस वाले को देखिएगा, और इस वाले को देखिएगा, इसने कितने की सेल करी है? 200 मिलियन की सेल करी है। 200 मिलियन के सेल्स में कितने परसेंट मेरे पास अभी तक नहीं बिका है?
40% अभी भी मेरी इन्वेंट्री में आ रहा है, सही है, लेकिन क्या इसका प्रॉफिट, क्या इसका प्रॉफिट इस लॉस में आ रहा होगा ज्वाइंट वेंचर के? ज्वाइंट वेंचर ने सेल्स रिकॉर्ड कर दी तो उसने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा, प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर लिया होगा, और इस 200 का 40% वो है जो कि मेरी इन्वेंट्री में आ रहा होगा, अभी मेरी इन्वेंट्री में आ रहा होगा, और इसमें प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है प्यारे बच्चों? प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है? 30%। तो जो मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी, जो मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी उसमें अगर मैं मार्जिन निकाल दूं प्यारे बच्चों, तो उसको भी इसमें से क्या करना पड़ेगा, लॉस में मजीद ऐड करना पड़ जाएगा, लॉस में मजीद ऐड करना पड़ जाएगा। तो मतलब मेरी जो इक्विटी मेथड में अकाउंटिंग हुई हुई है उसमें मुझे मजीद एक लॉस को क्या करना पड़ जाएगा, मजीद लेट से जो भी आंसर आता है 24-25 आता है, तो मुझे इसको भी माइनस करना पड़ेगा और फिर मेरे पास इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड के हिसाब से इस बेसिस पे रिकॉर्ड होगी। क्या याद है, बात समझ आती है? बेहतरीन हो गया बच्चों। तो बस आप समझने की कोशिश ये करिएगा कि चीजों को आपने इस तरीके से यहाँ पे लिंक करनी है प्यारे बच्चों, क्लियर है? ये पढ़ें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से पढ़ें। नहीं नहीं डोंट हैव द राइट टू द एसेट लिखा हुआ है मोहम्मद साहब, डोंट हैव द राइट ओवर द एसेट, नेट एसेट नहीं लिखा हुआ, ये वापस से पढ़ लें आप। Under the terms of the contract, neither Park Tech nor Karachi Manufacturing have an interest in the asset or obligation. Net asset नहीं लिखा हुआ, asset लिखा हुआ। बच्चे आखिरी बड़ी जबरदस्त चीज है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, acquisition of subsidiary. In September 2021, Park Tech acquired 100% of the equity share capital of HAQ for cash consideration of rupees 460 million. The fair value of the recognized net asset at the date of acquisition were equivalent to their carrying amount, which was rupees 350 million. Park Tech acquired HAQ principally to access the value of the customer relationship that HAQ had built up over the time with the sports team and the athletes, which is a sector of the market that has a growing need for the performance software and is a sector that Park Tech has no prior experience with. In addition to the intangible asset of HAQ recognized in its financial statement at the date of acquisition, the directors of Park Tech believe the value of HAQ customer list to be in the region of rupees 40 million. HAQ is subject to strict data protection laws, which safeguard against the customer information being sold, transferred, or exchanged. HAQ does not have any exclusive rights to the customer information. Haji, koi masla? Main ek subsidiary acquire karta hu isliye taki mujhe uske customer ka data mil jaye. और मैं कहता हूं उस कस्टमर के डेटा की वैल्यू 40 मिलियन है, लेकिन मसला यह है कि जिस कंपनी से मैं ये खरीद रहा हूं, जिस कंपनी से मैं ये खरीद रहा हूं, वो कंपनी के ऊपर डेटा प्रोटेक्शन लॉज अप्लाई होते हैं। डेटा प्रोटेक्शन लॉज ये है कि जी आप इसको बेच नहीं सकते, इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो जब मैंने ये सब्सिडरी एक्वायर करी होगी तो मैंने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट मेरे पास कितने आ रहे हैं? साढ़े तीन, दोनों 350 मिलियन आ रहे हैं, फेयर वैल्यू नेट से 350 मिलियन आ रहा है, और इसमें मैं क्या ऐड करने जा रहा हूं, ये 40 मिलियन ऐड करने जा रहा हूं। 40 मिलियन क्यों ऐड करने जा रहा हूं? कंसिडरेशन कितनी है मेरी, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है? फेयर वैल्यू कैसे 460 मिलियन है, तो मैं इसमें से क्या करने जा रहा हूं, गुडविल मेरे पास कम रिकॉर्ड हो जाएगी। कितने की रिकॉर्ड हो जाएगी? लेट से 70 मिलियन की, ठीक है। क्या ये 40 मिलियन को मैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट में रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? ये सवाल है बस। क्या इस 40 मिलियन को फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट में मेरे प्यारे बच्चों रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? अब ये सुनिएगा मेरी बात, ये सुनिएगा मेरी बात को,
और जब आप ये सुन लेंगे तो एक टेक्निक मैं आपको ऐसी बताऊंगा, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। दिस सेक्शन इंक्लूड्स द कंसीडरेशन ऑफ मैटर डील विद द आईएस 38 व्हिच आर स्पेसिफिक टू आईएफआरएस 3। मोर डिटेल गाइडेंस ऑन आईएस इंक्लूड दिस, द एक्वायरर शुड रिकॉग्नाइज सेपरेटली फ्रॉम गुडविल द आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट, द आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। An asset is identifiable if it meets either the separability or contractual legal criteria तो identifiable के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, identifiable के लिए दो चीजों का जरूरी है, क्या प्यारे बच्चों? पहला separatable हो तभी एक separate asset recognize करूंगा। क्या उस company ने, क्या HAQ ने अपने books में इसको intangible asset recognize किया होगा? नहीं। लेकिन जब मैं एक्वायर करने जा रहा हूं, तो मैं ये देखूंगा क्या ये, वैसे इंटेंजिबल एसेट है, ये इंटेंजिबल एसेट है। लेकिन आई 38 आपको मना करता है कि नहीं, आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। लेकिन IFRS 3 कहता है कि क्या ये आइडेंटिफाइबल है? हाँ जी आइडेंटिफाइबल है। तो क्या ये सेपरेबल है? तो आपने दो चीजें देखनी होगी, क्या ये सेपरेट हो सकता है और क्या कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया है, An intangible asset is separable if it is capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented or exchanged either individually together with a related contract. हाँ जी, ये लाइन जो लिखी हुई है, क्या इससे रिलेटेड सवाल में कुछ दिया हुआ है प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दें, क्या इससे रिलेटेड सवाल में कुछ दिया हुआ है? सीधे हाथ पे IFRS, उल्टे हाथ पे सवाल, जल्दी छेती छेती सीधे हाथ पे IFRS, उल्टे हाथ पे सवाल, जल्दी छेती छेती। बच्चों क्या ये सेपरेबल है? मेरे प्यारे बच्चों, जब ये सेपरेबल नहीं है, तो इसका मतलब है, इंटेंजिबल एसेट को मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, इसका मतलब है। तो ये जो लिखा है, ये कहां से लिखा? IFRS से, IFRS 3 से। और ये वाली जो लाइन लिखी, और ये वाली जो मेरे प्यारे बच्चों लाइन लिखी, ये कहां से लिखी? सवाल से। IFRS में जो लिखा हुआ था उसको सवाल के साथ मैंने लिंक कर दिया, मेरा एक अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यू एक्सप्लेन हो जाएगा बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? लेकिन सवाल में अगला मसला क्या हो जाएगा? सवाल में अगला मसला ये हो जाएगा कि अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इस 40 को हटा दूं, तो मेरी गुडविल कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? और जब मेरे पास गुडविल हो जाएगी तो आपको नहीं लग रहा गुडविल जो है वो मेरे पास क्या है? और जब गुडविल आपको ओवरस्टेटेड लग रही है तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? तो गुडविल कैसे इंपेयर्ड हो गई? बिकॉज जिस मकसद के लिए मैंने इस कंपनी को एक्वायर किया था वो मकसद मेरा पूरा नहीं हो सकता, वो कंपनी डेटा मुझसे शेयर नहीं कर सकती, वो कंपनी डेटा मुझे ट्रांसफर नहीं कर सकती, वो कंपनी डेटा मुझे एक्सचेंज नहीं कर सकती। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो बच्चों आज की क्लास में जो मैंने आपको कुछ लिंकिंग सिखाई वो समझ आ रही है? मैं आपके सामने बस एक चीज, एक आखिरी चीज आपके सामने अर्ज करूंगा। ये IFRS एग्जांपल है बच्चों, मेरी एक बात सुन लो, बहुत फायदा होगा, ये IFRS की एग्जांपल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको पढ़ लें। ये IFRS की एग्जांपल है, IFRS 3 B33। आप मेरी बात समझ रहे हो प्यारे बच्चों?
आपके पास IFRS में जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, उसी को यूज करके वो क्या कर देता है, उसी को यूज करके क्या कर रहा है वो, हाँ जी मुझे समझ आया, इस लाइन को पढ़ें और इस पैराग्राफ को पढ़ें जो IFRS एग्जाम्पल है, दोनों सिमिलर लग रही है आपको? प्यारे बच्चों बस वो यही कर रहे हैं, क्या यहां तक बात समझ आती है? आप जब FFR का पेपर देते हो तो आप इसको इंक्लूड नहीं करते, आप कंसोल की वर्किंग में इंक्लूड नहीं करते, ऐसे ही हो ना? FFR जब आप कर रहे होते हो, पेपर दे रहे होते हो, कंसोलेशन कर रहे होते हो, आप उसको इंक्लूड नहीं करते, लेकिन क्या उसको एक्सप्लेन करते हो कि इंक्लूड क्यों नहीं करा? क्या इसको एक्सप्लेन करते हो आप, क्या आप इसको इंक्लूड क्यों नहीं करते? नहीं, आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते, सही है। अच्छा मेरी एक बात सुना है, आपके पास पेपर में जब ये सवाल आता है रेवेन्यू का, जो रेवेन्यू का सवाल आता है और आपसे कहते हैं कि बताएं सही रेवेन्यू क्या होगा, आप उसको कैलकुलेशन दिखा देते हैं कि आप उसको एक्सप्लेन करते हैं? आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते, सही है। ये जॉइंट वेंचर जॉइंट अरेंजमेंट की आपसे अकाउंटिंग पूछेगा, लेकिन क्या आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जॉइंट वेंचर क्यों है, ये जॉइंट अरेंजमेंट क्यों है और उसमें इक्विटी मेथड अप्लाई होगी? प्यारे बच्चों जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट मिसिंग है ना हमारे पास FFR में, इसी चीज को ये कहाँ टेस्ट कर रहा है, इसी चीज को ये यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मुझे बताएं आपने इससे मुश्किल सवाल IFRS 15 में क्यों गया? अग्रीड, आपने इससे मुश्किल सवाल IFRS 15 में किए होंगे, लेकिन आपने कभी एक्सप्लेन नहीं करा, आपने कभी चीजों का एक्सप्लेन नहीं करा, वो आपसे एक्सप्लेन, क्योंकि आपने शायद तो वो आपसे से वो सब उन चीजों की एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। बच्चे को लिखना आता है ये चीज अकाउंटिंग में लिखनी आती है इसको। तो MSML का सबसे ट्रिकी पार्ट क्या है? सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि एक तरफ आपने आइजा की कैप पहननी होती है और ऑडिट टर्मिनोलॉजीज यूज करनी होती है, और एक जगह आपने FFR की कैप पहननी होती है और आपने अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज यूज करनी होती है। दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? ये दोनों आपस में कंसिस्टेंट होनी चाहिए। बच्चों कुछ फायदा हुआ आपका? कुछ समझ में आया कि इस तरह के सवाल जो हमारे 20-30 मार्क्स के आते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने लिखना क्या है। हम कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लेते हो, मैंने कैलकुलेशन वाला पार्ट करवाया भी नहीं आपको, बिकॉज तो बड़ा आसान है। मैं आपको क्या करवाऊं कि 800 700 मिलियन को क्या कहते हैं डिवाइड करें 1.07 से, उसकी पावर 2 ले आप, मैं ये क्या पढ़ाऊं, मैं ये कैलकुलेशन क्या सिखाऊं? द पॉइंट इज कि जब एक्सप्लेन करना होता है ना, वहां बच्चा बड़ा मसला कर देता है। दानियल अगर आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो और आपको स्ट्रक्चर क्लियर है, टर्मिनोलॉजी क्लियर है, आप बिल्कुल करें। आपको ये पता होता है कि इनटेंजिबल एसेट अगर सेपरेटली इंटेंजिबल को रिकग्नाइज करना है कि नहीं करना है, लेकिन अगर आपको ये रीजन नहीं पता कि सेपरेटली क्या होता है, आइडेंटिफाइबल क्या होता है, लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल क्या होता है, अगर ये चीज नहीं पता फिर पेपर में लिखना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों क्लियर हो? बस एक बार घुमा ले चीजों को, मैं अपने हैंड रिटन चीजें और समरीज वगैरह शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं। और मंडे ट्यूजडे से वैसे भी मैं सिर्फ एक्सेस के लिए MS1 के सवाल करवा रहा हूँ, तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो टेक्निक है वो समझ आ गई मेरे बच्चों? अगर आपको टेक्निक समझ आ गई ना कि लिखना यहां से है और उसमें यही चीजें मैंने कवर करनी है, आपको खुद एक फीलिंग आएगी कि हाँ यार मेरा आंसर कंप्लीट है, मैं एक सही चीज पे लिख रहा हूँ, सही डायरेक्शन पे लिख रहा हूँ, मैंने इतना लिखना है, ना ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है, ये की कॉन्सेप्ट मैंने कम्युनिकेट करना है उसको, कि सवाल कि IFRS ये कहता है और सवाल में क्या लिखा है, दोनों को कनेक्ट करके मैंने उसको चीजों को एक्सप्लेन कर दिया।
और वो जो चीज मैंने एक्सप्लेन करी है यही मेरा ऑडिट रिस्क होगा कि मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया होगा। अब मुझे बता देना ये इतना जबरदस्त पढ़ लिया, ये इतना जबरदस्त पढ़ लिया, मुझे बता दे ऑडिट रिस्क क्या होगा। द रिस्क मैनेजमेंट ने इंटेंजिबल एसेट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं होंगे लेकिन उसको फिर भी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट में कंसिडर कर लिया होगा। मेरे वर्ड सुन रहे हैं कि मैनेजमेंट ने इंटेंजिबल एसेट को गुडविल कैलकुलेट करते हुए कंसिडर किया होगा बिकॉज मैनेजमेंट ये समझ रही होगी कि सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एसेट है। तो जो चीजें यहाँ लिखी है उसी को ये जो लिखा हुआ था इसको क्वेश्चन से लिंक करा और फिर इन दोनों के बेसिस पे जो एक मिक्सचर बना मैंने ऑडिट रिस्क बता दिया। क्लियर है बच्चों? चलें जी, जबरदस्त। तो इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे से मुलाकात वापस होती है हमारी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कुछ फायदा हुआ बच्चों आपको, कुछ एक चीज समझ आई? चले मैं उसके लिए भी रखता हूँ, लेकिन पोर्टल पे एक IFRS का सेशन है मेरा जिसमें मैंने IS1 से लेके IFRS 16-17 तक जितने भी IFRS के की कॉन्सेप्ट है जो कि वो पूछ सकता है वो एक पूरा यार 6 घंटे का सेशन है। मैं उसके ऊपर भी अलग सेशन रख लूंगा, सही है? पोर्टल पे अवेलेबल है। शजिया वो स्पेसिफिकली MSA के टारगेट कर रहा है। मैंने उसमें अगर IS2 पढ़ाया तो मैंने लोअर ऑफ कॉस्ट NRV नहीं बताया, मैंने उसमें ये बताया कि IS2 से अगर MSA1 का सवाल आएगा तो वो क्या आ सकता है। चले बच्चों, जबरदस्त। अपना बेहद ख्याल रखिएगा यार। ये ताहिर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा ना, ताहिर से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। शजिया तो सारे IFRS कवर है ना, उसमें सारे IFRS कवर है। IS8 भी है, IS10 भी है, 16 भी है, 2 भी है, 9 भी है, 16 भी है, 15 भी है। यार एडमिन का नंबर लिख दिया, ताहिर का नंबर लिख दिया, इससे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यार WOC CPSC के पोर्टल में भी डाला हुआ है मेरा बच्चा। रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह कल परसों तक अवेलेबल हो जाएगी।